तेलंगाना के भद्रचलम में हाल ही में खुले अस्पताल में सेवाओं की शुरुआत में देरी को लेकर बुधवार को सीपीएम के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन रैली की है। इस रैली के बाद आंदोलनकारियों ने अस्पताल के परिसर में धरना भी दिया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सीपीएम राज्य समिति के सचिवालय सदस्य एजे रमेश ने कहा है कि अस्पताल ने काम करना शुरू नहीं किया है। हालांकि इसका उद्घाटन कुछ सौ दिन पहले हो चुका था, मगर काम अभी भी ठप पड़ा है। सरकार ने अस्पताल में खोला था, लेकिन उसके ऑपरेशन को शुरू करने के लिए पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार को कर्मचारियों को नियुक्त करने और सेवाओं को शुरू करने के लिए आग्रह किया। धरना के बाद पार्टी के सदस्यों ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र को मामले के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान पूर्व विधायक कुना विजय जी, पार्टी के नेता एम रेणुका, एम बी नरसा रेड्डी, बी सारद बाबू जी स्वामी, कोंडल राव और अन्य ने विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लिया।